नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर ओपिनियन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, SRF एक कह सकते हैं एक बेहतरीन केमिकल की कंपनी है जिसके पास दुनिया भर का प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं फ्लोरो केमिकल बिजनेस, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है ना, टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, कोटेड फैब्रिक्स बिजनेस, ये सारा इन्हीं का है। देखिए, बहुत ही शानदार कंपनी है ऑल ओवर। मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊँ तो ऑल ओवर यहाँ पे जो देख रहे हो ना बिजनेस का वर्टिकल, ये इनका, ये पूरा बिजनेस का वर्टिकल, तो ये इनका है प्रोडक्ट। और वही नहीं, कई और सारा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा ये R&D वगैरह सब करते हैं, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। आइए मैं आपको इसको टेक्निकल समझाता हूँ। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा स्क्रीनर पर। 1970 में कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर दिख जाएगा केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल। सारा यहाँ पर दिख जाएगा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका पोर्टफोलियो में, जिसमें फ्लोर जो आपको सारा बताया वही सब है इनका। जो अगर बिजनेस का सेगमेंट देखें तो कैसे कैसे इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है देख सकते हैं। तो इनका जो 43% रेवेन्यू आता है केमिकल बिजनेस से आता है, जिसमें कई सारा बिजनेस है आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखिए तो स्पेशलिटी केमिकल भी है इनका, पैकेजिंग का है 40% रेवेन्यू, टेक्निकल टेक्सटाइल का है 40% रेवेन्यू। उसके अलावा अदर बिजनेस 3% है। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जर्मनी से 7%, USA 6%, स्विट्जरलैंड 6%, साउथ अफ्रीका 55%, बेल्जियम 4%, थाईलैंड 2%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 20%। तो ये इनका वो ब्रेकअप, ज्योग्राफिकल ब्रेकअप। अगर इंडिया इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2400 रुपया का है, क्योंकि इनमें अभी अभी जस्ट बोनस मिला है। फेस वैल्यू 10 का हो चुका है बोनस मिलने के बाद भी। ROC 18 का है, ROE बढ़िया है 20 का, इंट्रेंसिक वैल्यू 790 का है। और प्लेज देखो तो कोई प्लेज नहीं है, प्रमोटर का होल्डिंग बढ़िया है, ठीक ठाक है। उसके अलावा अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो बहुत शानदार चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है चार्ट में। पी देखिए तो बहुत बढ़िया है। अगर इस कंपनी का प्रोस देखें तो बहुत बढ़िया प्रोस है, 22% का CAGR दिया है बना के कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में। आप देख सकते हैं पीडी लाइट के बाद ये सेकंड कंपनी है SRF ना, इतनी बड़ी कंपनी कोई नहीं है। उसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हम डायरेक्ट आते हैं तो देख सकते हैं एक कंसिस्टेंसी है इनमें। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट धीरे धीरे कमाते जा रहा है ना। उसके अलावा अगर इस कंपनी का आप कंपाउंडिंग देखिए तो कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया है। स्टॉक का CAGR देखिए तो काफ़ी बढ़िया दिया है, ज़बरदस्त बना के दिया है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि 7400 करोड़ का रिजर्व है, थोड़ा सा कर्जा है, तो ये तो चलता रहता है कर्जा कर्जा का काम। उसके पास देखिए इनके पास कैश बहुत जाता है 1800 करोड़ का। उसके अलावा अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखिए तो पूरा का पूरा 50% है, 10% FII, 19% FII है, 9% DII है, और 21% के आसपास पब्लिक का पास है। तो काफ़ी बढ़िया इनका प्रोमिस है, कह सकते हैं कि बैलेंस शीट। अब अगर आप अगर मैं यहाँ पर टाइप करके अगर शेयर दिखाऊँ इसका टोटल चार्ट तो देख सकते हैं 5 मैक्सिमम चार्ट बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया है। ये रिटर्न करीब 1,18,000 करोड़ का रिटर्न है। और अगर इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर का भी देखें तो ऐसे नहीं इतना बना है, 5 ईयर में 600% का है। अगर 10% का 10 साल का अगर इसका रिटर्न देखें तो 10 साल का आप देख सकते हैं, देखिए 2012 से देखिए 10 साल में 5000% का रिटर्न बनाया है, जो कि बहुत ही बड़ा रिटर्न है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया है, सेगमेंट बढ़िया है, केमिकल की शानदार कंपनी है, रेवेन्यू बढ़िया आता है। तो इस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं लंबे समय के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है। लमसम अमाउंट लगाना, लमसम अमाउंट लगाइए, मार्केट का लीडर में इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मिलूंगा आपको एक अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।